जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यादव नवरात्र में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप भक्तों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि स्काई वॉक अब बनकर तैयार हो गया है। भक्तों को स्काई वॉक के माध्यम से माता रानी के पवित्र पिंडी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, तो वीरी मांगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे आप भक्तों को भवन पर नई लॉकर की सुविधा मिल रही है, उसके माध्यम से कैसे आप दर्शन काफी अच्छे से कर पा रहे हैं, किस तरीके से सुविधा मिलती है। साथ ही जानेंगे इस समय दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, कैसा मौसम बना हुआ है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये भी बताना ना भूले आप यात्रा करने के लिए कब जाने वाले हैं। पहले यात्रा कर चुके तो अपना अनुभव भी हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते वीडियो में आगे जानते हैं संपूर्ण जानकारी। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर स्काई वॉक बनकर तैयार हो गया है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। अब इसी के माध्यम से माता रानी के भवन पर भक्त दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। 12 अक्टूबर को ऑलरेडी इसका उद्घाटन हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्काई वॉक की एंट्री है, ये गेट नंबर 3 हुआ करता था। यहाँ पे स्काई वॉक की एंट्री हो जाती है और यहाँ से माता रानी के भवन पे आप जा सकते हैं। और ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, ये पूरी लाइन जा रही है स्काई वॉक के लिए, सामने आप देख सकते हैं। बट इस पॉइंट पर आने से पहले सारा सामान जमा कर अगर आपको आना होता है ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो नया स्काई वॉक बना है माता रानी के भवन पर, उसकी एंट्री है, यहाँ से भक्तों को एंट्री मिलने वाली है माता रानी के भवन पर। माता रानी की 9 रूप में प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, 9 रूप में माता रानी को यहाँ पर दर्शाया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये भक्तों को समर्पित कर दिया गया है हमारी जो राष्ट्रपति थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा। देखिए भीड़ कुछ इस प्रकार है कि जो दर्शन की लाइन है ना, वो भैरव बाबा के रास्ते तक जा रही है, ये देख सकते हैं। और लगभग लगभग लाइन की बात करूं 700-800 मीटर लंबी ये लाइन है जो आप देख रहे हैं इस समय। और भाई कुछ ऐसा ही यहाँ पर व्यू है, तो नवरात्रों में आ रहे हो तो भाई कमर कस के आना, यहाँ पर माता रानी का भवन है ठीक सामने। तो अगर भाई नवरात्रों में आने का प्लान है तो बिल्कुल आइए, डरने की बात नहीं है। बस बिल्कुल ये ज़रूर है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा, आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, असुविधाएं हो सकती हैं, बट उसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। और देखिए भक्त, छोटे छोटे बच्चे भी आप देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं, नंगे पैर भक्त जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और यही देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप भैरव बाबा पे जहाँ तक की आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लंबी लाइन है। तो ये यहाँ पर देखिए सामने देख रहे हैं पार्वती भवन है, और यहाँ पर आपको रुकने की कुछ व्यवस्था मिल जाती है, लॉकर्स मिल जाते हैं, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह शौचालय वगैरह मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी है। तो अभी देखिए हमें लॉकर नंबर मिला है ये, और इसमें कार्ड के जरिए हमें मिल चुका है ये। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने लॉकर लिया तो उसके लिए हमें बैंड दे दिया गया है जिसमें लॉकर नंबर भी मेंशन है 235। इस कार्ड के जरिए RFID कार्ड के जरिए मुझे लॉकर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लगेज डिपॉजिट कलेक्शन भी है, तब यहाँ पर अपना सामान दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सारे में लॉकर बने हुए हैं, यहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के परेशानी के, हजारों लोकर यहाँ पर बने हुए। वहीं अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मौसम काफी ज्यादा बदला हुआ है। यात्रा पर और कटरा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यात्रा पर ठंड बढ़ चुकी है, साथ ही आप भक्तों को काफी ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपने साथ रेनकोट भी ले जा सकते हैं या फिर छाता भी ले जा सकते हैं, जिससे यात्रा करने में काफ़ी आसानी होती है। अपने साथ ठंड के कपड़े ले जाना भी इसलिए ना भूलें क्योंकि रात के समय अगर आप यात्रा पर रुकना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन भक्तों के लिए जो यात्रा पर रुकने का विचार नहीं बना रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, वो ज़रूर कम से कम कपड़ों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं माता रानी की पवित्र यात्रा पर आने के बाद में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो भवन में दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे तक का समय लग रहा है। वहीं देखा जाता है जब माता रानी की पवित्र यात्रा पर आरती शुरू हो जाती है, ऐसे में भक्तों की लंबी कतारें देखने के लिए मिल जाती है और भक्तों को 4 से 5 घंटे दर्शन करने में लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आरती चल रही है शाम में या फिर सुबह में तो उस दौरान आप दर्शन की लाइन में ना लगें, कोशिश करें कि उसके कुछ 1 से 2 घंटे बाद लाइन में लगें, जिससे कि आपको दर्शन काफी आराम से हो जाए। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में दर्शन करने में भक्तों को लगभग 1.5 से 2 दिन की वेटिंग देखने के लिए मिल रही है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये भी बताना ना भूले आप यात्रा करने के लिए कब जाने वाले हैं। साथ ही अगर आप यात्रा पहले कर चुके तो अनुभव भी हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना ताज़ा तस्वीरें पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।